Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for NMAT 2023 exam, because in this video, I will be discussing about the detailed syllabus and books that you must refer for NMAT 2023 exam. Guys, काफी लोगों का ping आ रहा है regarding NMAT syllabus, कि syllabus क्या है, and काफी लोग random websites से जाते हैं. कई जगह detailed syllabus नहीं होता है, but ये video में आपको सब कुछ मिलेगा. सिलेबस क्या आपको पूरा मिलेगा, बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इवन दो तीन साल के जो पेपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए. तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाला है. चलो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देते हैं. लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं. Be it a strategy based video, be it a content based video, or be it a notification based video. चलो गाइस देख लेते हैं. गाइस, हम लोगों का NMAT 2023 का टेलीग्राम ग्रुप है, करीब 4500 प्लस मेंबर्स का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. ये काफी एक्टिव ग्रुप है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोगों का एक फेसबुक ग्रुप भी है NMAT प्रिपरेशन का, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें. वहां पे 8000 से ज्यादा मेंबर्स हैं. ठीक है, दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. तो गाइस, सिलेबस की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में. तो गाइस, आपके सामने ये एनमैट का पेपर पैटर्न है. एनमैट में तीन सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज स्किल्स मतलब वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव स्किल्स मतलब मैथ्स, एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका रीजनिंग. तीनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, 36 क्वेश्चन होते हैं इन ईच. सो यू कैन से 108 क्वेश्चन होते हैं. एंड आपको टाइम जो मिलता है लैंग्वेज स्किल्स में 28 मिनट्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स 52 मिनट्स, एंड लॉजिकल रीजनिंग 40 मिनट्स. ठीक है, टोटल टाइम यू गेट 2 आवर्स 120 मिनट्स. गाइस, अगर बात करें पर क्वेश्चन का मार्क्स, तो गाइस यहाँ पे ये जो पेपर होता है आपका एनमैट का, ये एडेप्टिव नेचर का होता है. एडेप्टिव मतलब होता है कि हर क्वेश्चन का मार्क्स अलग होता है. इजी क्वेश्चन का मे बी कम मार्क्स हो पर क्वेश्चन, जो टफ क्वेश्चन है उसका मार्क्स ज्यादा हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब पेपर अटेंड करना स्टार्ट करते हो तो आपके रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है. मतलब आपने दो तीन क्वेश्चन इजी दिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टफ मिलेगा, उसके मार्क्स भी ज्यादा होंगे. अगर आप लगातार गलत करते जा रहे हो तो आपको इजी क्वेश्चन मिलेगा. इसको बोलते हैं एडेप्टिव पैटर्न. जो जी मैट फॉलो करता है वो एनमैट फॉलो करना स्टार्ट कर चुका है. ठीक है, तो मेन चीज ये है, तभी यहाँ पे पर क्वेश्चन मार्किंग नहीं होती है, बट ओवरऑल पेपर आपका 360 मार्क्स का होता है. ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ओवरऑल पेपर आपका 360 मार्क्स का होता है. अब आते हैं गाइस मेन चीज में, कि क्वांट सेक्शन में क्या आता है. गाइस, क्वांट्स में 36 क्वेश्चन है, जैसे बाकी सेक्शन में भी है. अब इसमें देखो गाइस, आपको पढ़ना सब पड़ेगा. क्वांट सेक्शन जो है वो सारे नॉन टेट एग्जाम्स का सेम होता है. पहली बात तो गाइस आपको ये समझनी पड़ेगी कि जितने भी नॉन टेट एग्जाम्स हैं सब में सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, बस किसी में कुछ चीज ज्यादा आती है, किसी में कुछ कम आता है. बात करूँ क्वांट्स की, तो क्वांट्स में आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, अर्थमेटिक भी, एल्जेब्रा भी, ज्योमेट्री भी, नंबर्स भी, मॉडर्न मैथ्स भी, एंड डीआईडीएस भी. अर्थमेटिक में करीब 11 क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, एवरेजेस, एलिगेशन मिक्सचर, रेशियो का क्वेश्चन. तो गाइस एक बात आपको और बता रहा हूँ, एनमैट की एक ऑफिशियल गाइड होती है, वहां पे सिलेबस दिया रहता है. कई बार ऐसा होता है कि वहां पे वो लोग बोलते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस सिलेबस में नहीं है या ज्योमेट्री सिलेबस में नहीं है. ठीक है, बट ऐसा जनरली नहीं है गाइस, क्वेश्चन आ जाते हैं. आपको ऐसा फॉलो नहीं करना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है. क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर एनमैट दे रहे हो तो एटलीस्ट एक एग्जाम और दे रहे होंगे. अगर आप TSD छोड़ भी रहे हो तो दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ोगे, तो बेटर है इसके लिए पढ़ लो. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट DI DS में ज्योमेट्री आ जाती है, सॉरी DS में, मतलब तो पढ़ना पड़ेगा आपको. तो आप ये मान लो मत कि कुछ छोड़ना है. काफी जगह आपको देखिएगा कि ज्योमेट्री सिलेबस में नहीं है. मैं मानता हूँ ज्योमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन शायद एक आता होगा या नहीं भी आता होगा किसी किसी स्लॉट में, बट अगर आ गया तो क्या करोगे. और जनरली DS में आ जाता है, डेटा सफिशिएंसी में, तो पढ़ना पड़ेगा आपको, नॉलेज होनी चाहिए ना उसकी, तो आप छोड़ कुछ नहीं सकते हो. तो ये माइंड से हटा दो कि ज्योमेट्री सिलेबस में नहीं है या TSD सिलेबस में नहीं, सबको सिलेबस में है. ठीक है, एलजेब्रा में गाइस आपको APGP क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, APGP क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेन है, बाकी लॉगरिथम्स भी ठीक ठाक है, बाकी लीनियर इक्वेशन एंड इक्वालिटी का बेसिक्स कर लो, सर्च एंड डाइसेस एंड फंक्शंस का बेसिक्स कर लो, बट इन तीन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, APGP क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, लॉगरिथम्स. बट गाइस आपको पढ़ना सब कुछ उतने ही इक्वली पड़ेगा, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको आइडिया लगे. ठीक है, एनमैट मुझे बाकी नॉन टेट एग्जाम्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, थोड़ा सा. स्नैप वगैरह का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी जा सकता है, बट एनमैट में कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती है, बट अगेन कुछ नहीं हो सकता कब क्या हो जाए.
इसलिए आपको बिल्कुल वर्स्ट टू वर्स्ट केस में पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री गैस जनरली क्वेश्चन कम आते हैं, मैक्स मैक्स एक क्वेश्चन आया 2-3 साल में, बट कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, अगेन वी डोंट नो। तो आपको ज्योमेट्री प्रॉपर वे पढ़नी पड़ेगी, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नंबर से क्वेश्चन आते हैं गाइस, नंबर ढंग से पढ़ने ना, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी, कभी कभी 2 क्वेश्चन। नंबर थ्योरी ऐसे पूरा पढ़ते वैसे पढ़ना, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स, मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ, एप्लीकेशन टेस्ट भी, मॉडल्स भी, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, जितने भी और वेराइटी है फैक्टोरियल वगैरह, सब कुछ ढंग से पढ़ के जाना प्रॉपर। ठीक है गाइस, एक मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट कैट लेवल की प्रिपरेशन करो। मॉडर्न मैथ्स जो है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉडर्न मैथ्स आपका पीएनसी प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन मैंने एवरेज लिखे हैं, बट किसी किसी को 8-8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से पीएचडी करके जाओ, जितने क्वेश्चन लगा के जाओ उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आपके स्लॉट में हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन पीएनसी प्रोबेबिलिटी के आ जाए। और ये जो सेट थ्योरी मैंने लिखा है, ये सेट थ्योरी वेन डायग्राम वाला है, ठीक है, इसको भी जरूर से पढ़ लेना, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे इस डीआईडीएस, तो डीआईडीएस में आपको डीआई ये सब आपको मेन लाइन चार्ट बार ग्राफ से पढ़ना है, बाकी आपको मिक्स कॉम्बिनेशन करना है और डेटा सफिशिएंसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस अर्थमेटिक के एवरेज 11 क्वेश्चंस, एलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का 1, नंबर्स के 2, मॉडर्न मैथ्स के एवरेज 4 क्वेश्चंस, डीआईडीएस की है। आपको मैं सच बताऊं तो गाइस, अगर आप डीआईडीएस हटा दो 36 में से, तो 20 में से अर्थमेटिक एंड मॉडर्न मैथ्स मिला के कम से कम 13-14 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन तक हो जाते हैं आराम से। तो ये कभी कभी मॉडर्न मैथ्स के 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, बट आपको पढ़ना सब पड़ेगा। गाइस बात करूँ बुक्स की, तो क्वांटम गेट यू कैन रेफर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एंड डीआईडीएस के लिए आप ये रेफर कर सकते हो, हरियाणा डीआईडीएस की बुक डिसेंट बुक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। गाइस रीजनिंग स्किल्स की बात करूँ तो गाइस रीजनिंग में देखो क्या है, 36 क्वेश्चन है रीजनिंग में। देखो गाइस क्रिटिकल रीजनिंग में काफी ज्यादा फोकस है, ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं टाइप कर, ये टॉपिक्स आते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिससे आप रेडी रहो। पजल्स के 2 सेट मान लो आप, 4-4 क्वेश्चंस के, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, एनालॉजी का 1 क्वेश्चन, फिगर बेस्ड रीजनिंग के 2 क्वेश्चन, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन सेंस, वर्बल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, टोटल 36 क्वेश्चन। अब गाइस बात समझना, ये मैंने आपको सिलेबस दे दिया बिकॉज एनडैट में ये आता था, बट लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर पजल्स, वर्बल रीजनिंग एंड इनपुट आउटपुट, इन्हीं तीनों से पेपर आ गया था ऑलमोस्ट 90%, एनालॉजी और मॉडलिंग। वर्बल रीजनिंग तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि वर्बल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने हैं, गैस 20 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने क्रॉस कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशन ये सब नहीं दिया था, कुछ कुछ स्लॉट में, एक दो स्लॉट में शायद आ गया था, बट जनरली जो क्वेश्चन आए थे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्बल रीजनिंग से, इनपुट आउटपुट से, पजल से, वर्बल से अराउंड 20 तक क्वेश्चन आ गए थे, इनपुट आउटपुट से अगर एक सेट आया था 4 क्वेश्चन का, 24 क्वेश्चन यही हो गए, और पजल के 3 क्वेश्चन आ गए थे, 12 सेट, 3 सेट मतलब 12 क्वेश्चन, तो आप खुद जो लोग 36 क्वेश्चन हो गए, तो सिर्फ ये 3 टॉपिक से ये पूरा एलआर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको ये टॉपिक एंड ये टॉपिक, इन तीनों से अच्छे से पीएचडी करनी है, ठीक है, बिकॉज एनमैट कहीं ना कहीं जीमैट के लाइन पे जा रहा है, वो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ाता जा रहा है, और गैस वर्बल रीजनिंग के अंदर आप डिसीजन मेकिंग भी इंक्लूड कर लेना, दैट वाला, दैट में जो डिसीजन मेकिंग आती है ना वो भी आती है, और एनालॉजी कर सकते हो। बाकी जो बहुत ही कॉमन एनमैट स्नैप, जो सॉरी स्नैप सीमैट में आता है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ये सब नहीं आ रहे हैं, लास्ट ईयर नहीं आया था, बट पहले आता था, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाएगा, बट अगेन सब कुछ करना है आपको, बट ये 3 टॉपिक्स में एक्सट्रीमली ज्यादा फोकस करना है, किन में, पजल्स में, वर्बल रीजनिंग में, इनपुट आउटपुट में, इन 3 टॉपिक्स सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है गाइस। अगर बात करें बुक्स टू रिफर की, तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो बुक है हरियन की, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप यूज कर सकते हो, बाकी अगर आप ने कोचिंग लिए रखी है टाइम आई एम एस सी, तो इनका मटेरियल यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बात करूँ गाइस लैंग्वेज स्किल्स की, तो लैंग्वेज स्किल्स में भी एक थोड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है, वही मैंने आपसे बोला कि स्नैप से डिफरेंट क्यों है एनमैट, एनमैट थोड़ा स्टैंडर्ड है, एनमैट का चांस थोड़ा कम होता है कि वो चेंज करेगा पैटर्न, स्नैप का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी नंबर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी नंबर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एनमैट में ये चीज थोड़ी कम होती है। जैसे आरसी की बात करूँ गाइस, 3 आरसी आते हैं, कभी कभी आपको 2 आरसी मिल जाएंगे, बट कई बार 3 आरसी भी आते हैं, ठीक है,
सिनोनिम सेंटोनिम से क्वेश्चंस दो मान लो, फिलर्स फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो चार, एरर स्पॉटिंग के चार क्वेश्चंस, ग्रामर वाले फिलर्स के क्वेश्चन, आर्टिकल्स वगैरह के पांच, पैराजंबल्स तीन, एनालॉजी तीन, सेंटेंस कलेक्शन तीन, ये 36 क्वेश्चन का है और ये टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है, ये टॉपिक्स करके जाओगे आराम से हो जाएगा। तो गाइस एनमैट में अगर मैं आपको बोलूं तो टाइम नहीं है, अगर आप सोच रहे हो एनमैट लिए बहुत टाइम है, एनमैट का जो विंडो होती है 10th अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, मई चल रहा है 10th मई, ठीक है, तो कम टाइम है गाइस एनमैट लिए। आपको जो सिलेबस मैंने दिया है और जो मैंने आपको टिप्स दिए वो बिल्कुल डिटेल्ड है और बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, उन पे फोकस करो, अच्छे से ये चीज करो कि हो जाएगा, प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्वांट्स में सबसे सिलेबस है सबसे ज्यादा वो क्वांट्स में रहेगा और आपका क्वांट्स में कट ऑफ नहीं निकलता है, क्योंकि क्वांट सेक्शन कट ऑफ क्वांट्स काफी टफ बना देते हैं लोग और कट ऑफ भी बहुत मुश्किल से निकलता है, स्केलिंग ऐसे करते हैं। तो अभी से पढ़ो, एक डिटेल्ड कंटेंट प्लस सही टाइम पे स्टार्ट, ये दो चीजें करोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा आराम से। गाइस बुक्स की बात करूँ तो इंग्लिश सेक्शन की बुक्स की वर्ल्ड पावर मेड इजी आप यूज कर सकते हो, रेड वाली बुक एंड वर्ड्स के लिए, इसमें सॉरी वर्ल्ड पावर मेड इजी जो बुक है इसमें लास्ट में जाओगे आप, ठीक है, एंड में बुक के आपको ए टू जेड तक वोकैबुलरी के वर्ड्स मिल जाएंगे, एंड वर्ड्स मतलब मेरा है कि बुक के लास्ट में वर्ड्स है, ठीक है, पर रेड वाली बुक के लास्ट में। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसटी बख्शी, ये बुक डिसेंट है, ये आपको सारे नॉर्मल एग्जाम्स के चल जाएगी। रेन एंड मार्टिन लिख सकते हो और मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत डिटेल्ड है, बाकी आपका टाइम आई एम एस सी एल का मटेरियल ये तो आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास है, ये आपका था एमडीआरसी। सो गाइस मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया तीन सेक्शंस का, अगर आप एक स्ट्रक्चर में तैयारी करना चाहते हो एंड मैट स्नैप या कंप्लीट नॉन गेट कोर्स की, तो हम लोग का डेडिकेटेड बैच 13th मई से स्टार्ट होगा, प्रॉपर डिटेल्ड लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, GDPI, ठीक है, सब कुछ रहेगा, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी हैंडआउट्स कवरिंग 6000 क्वेश्चन, 550 टॉपिक टेस्ट। हम लोग का हर एक, हम लोग की USP क्या है कि हम लोग कोई भी वैरायटी छोड़ते नहीं क्लास में, हम लोग सब कुछ क्लास में कराते हैं, चाहे आपका क्वांट्स हो, चाहे LR हो, चाहे VO, हम लोग की PNC प्रोबेबिलिटी की 14 क्लासें हुई हैं, ठीक है, नंबर्स की 18 क्लासें हुई हैं, और इस बार हम लोग एक्सट्रीम फोकस देने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट पे और आपका पजल पे, ठीक है, बट ताकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज है जो एग्जाम में है। बाकी का एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आपको पहले से आता हुआ होना चाहिए, अगर आपको बाकी एग्जाम निकालने हैं तो जितनी वैरायटी करोगे उतना अच्छा है, तो कोई वैरायटी छोड़ते नहीं, सब कुछ कराते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी जिन्होंने नाम सुना है, जिन्होंने यूट्यूब में कंटेंट देखा, आइडिया लग गया होगा, काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं, 500 से ज्यादा रिव्यूज हम लोग के पास। बाकी का हम लोग का जो अनमैट स्नैप का कोर्स है वो 6500 का है, काफी लोग डाउट करते हैं इतने कम में दे कैसे रहे, बिकॉज इसमें आपके एनमैट स्नैप दोनों के एग्जाम्स के मॉक्स भी हैं, खाली मॉक्स ही 2000 के होते हैं और एनमैट स्नैप का कंप्लीट GDPI भी है इसमें, इसीलिए लोगों को डाउट हो जाता है, क्योंकि अगर आप एनमैट स्नैप का खाली GDPI कोर्स लोगे वही आपको 4000 से कम में नहीं आएगा, ठीक है, और लास्ट ईयर उन्होंने कम से कम 150 मॉक PI लिए थे, तो प्राइसिंग लास्ट ईयर की जो थी वही साल की प्राइसिंग इंक्रीज नहीं करी है लोगों ने। आप एनमैट स्नैप के फॉर्म्स में ही 14000 रुपये लगा देते हो अगर आप जोड़ो तो प्रॉपर में पढ़ोगे तो हो जाएगा, एंड काफी लोग बहुत ही गलत तरह से पढ़ते हैं, सीधे मॉक्स खरीद के बैठ जाएंगे, खाली मॉक्स से ज्यादा कुछ नहीं होगा गाइस, अनलेस आपने सारी गारंटी करी होगी। बाकी क्या सबसे अच्छा कोर्स है कंप्लीट नॉन कैट कोर्स, एक बार ले लिया तो अभी से लेकर अगले साल तक जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स है एनमैट स्नैप सीमैट CD IFT ZAT सबके कोर्सेस सबकी टेस्ट सीरीज सबका GDPI हार्ड कॉपी बुक्स घर के लिए प्लस सॉफ्ट कॉपी सब कुछ मिलेगा आपको 10,000 में, ये तो एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल कोर्स है, इसकी कॉस्ट कम से कम 17 से 18 हज़ार होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अगर आपको सारे नॉन टेट एग्जाम्स देने हैं तो, और देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक दो एग्जाम में डिपेंड नहीं हो सकते गाइस, ठीक है। बाकी गाइस आपके सामने रिजल्ट्स हैं, लास्ट ईयर रिजल्ट्स अभी कलेक्ट नहीं किए मैंने, लास्ट ईयर रिजल्ट्स हैं ये, लास्ट उससे पहले के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। बाकी स्नैप के टॉप परफॉर्मर्स हार्डवर्क फॉर वंस ब्रांडेड फॉर लाइफ, बाकी का सब रिव्यूज देखोगे अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा पॉज करके, ठीक है। सो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में तैयारी करो, इवन हम लोग का कैट एंड कंप्लीट MBA कोर्स भी है, इन केस आपको देखना है यू कैन इंक्वायर एट दिस नंबर, आप एनमैट स्नैप कोर्स के लिए नॉन कैट कोर्स के जिस कोर्स के लिए जो भी कोई डाउट हो आपको पर्सनल डाउट उसके मुझे पिंग या कॉल कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, बाय।